ये देखिए, बदमाशों में कतई डर नहीं है कि वो जिस वाहन पर हमला कर रहे हैं वो पुलिस कर्मियों का है और उसमें कुछ खाकीदारी भी सवार होंगे। वीडियो कुछ दिन पुराना जरूर है मगर पुलिस ने अब इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस गाड़ी के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर भी डंडों से हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये दोनों शख्स उन 6 आरोपियों में शामिल थे जिन्होंने शराब के नशे में धुत होकर इस घटना को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक ये सभी एक पार्टी से लौट रहे थे जहां तबियत बिगड़ने पर आरोपियों ने निजी अस्पताल में जाकर दवाई ली, लेकिन जब दवाई के बदले वहां पैसे मांगे गए तो आरोपी वहां भी एक कर्मचारी पर हमला कर फरार हो गए थे। पुलिस के साथ जो है हमारी ERV गाड़ी थी, उसके ड्राइवर और उसके स्टाफ को जो भी चोट मारी और गाड़ी के जो है गाड़ी को डैमेज कर दी। भाई ने आरोपी है मनीष और संदीप जो रिठौज के रहने वाले हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के अरेस्ट करने के बाद हमने इनको 4 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, जो आज पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आज इनको जो है जुडिशियल के आदेश फरमाया। संदीप है जो जिसकी गाड़ी थी मौके पे, एक गाड़ी जो है ये टक्कर मार दी थी जो चलने लायक नहीं थी, फिर दूसरी गाड़ी जो है ये लेके और उसमें फरार हुए थे सभी आरोपी। तो हमने वो गाड़ी संदीप की थी जो हमने संदीप से इस गाड़ी की बरामदगी की है। मनीष जो दूसरा आरोपी है उससे हमने मोबाइल फोन बरामद किया है। टोटल ये 6 आरोपी हमारे उसमें आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, जो आगे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी जो है टीम बना के रेड की जा रही है। इन्होंने पुलिस के साथ जो है हमारी ERV गाड़ी थी, उसके ड्राइवर और उसके स्टाफ को जो भी चोट मारी और गाड़ी के जो है गाड़ी को डैमेज कर दिया। ये जो सभी आरोपी थे मोस्टली सभी नशे में थे, ये किसी पार्टी से जो है आए थे और यहाँ डॉक्टर के हॉस्पिटल में कोई दवा नहीं लेने बाबत या जो है एक्स्ट्रा डॉक्टर से वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, इस बाबत उनका झगड़ा हुआ था जिसपे पुलिस। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहाँ कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के रिमांड पर भेजा था। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन और उस गाड़ी को बरामद किया है जिसमें सवार होकर आरोपी भाग गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। सोहना से संवाददाता सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।